गरीब बहू का ठंड में पत्तों का घर। पार्वती अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार होते ही जा रही है। ऊपर से ये मेरा मिट्टी का घर बहने लगा है। अब मैं क्या करूँ, कल मुझे अपने बेटों की बारात भी लेकर जानी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, वो पांचों अमीर घराने के लड़के इस गरीब घराने में कैसे रहेंगी, कैसे गुजारा करेगी। उन्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, उन्होंने पहले ही हमारे बेटों से कह दिया है। आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पार्वती ऐसा कहकर अपने पांचों बेटों के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे तुम पांचों यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? शादी है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई काम ही नहीं करना। देखो कितना पानी बाहर तक आ गया है और मुझे लग रहा है कि अब ये छत भी बहने लगेगी। जल्दी से पन्नी या तिरपाल का इंतजाम करो और इस घर को ढकने की कोशिश करो। लेकिन माँ, झोपड़ी के ऊपर डालने के लिए इतनी बड़ी पन्नी कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? देख लो, पड़ोस में किसी के पास हो तो मांग लो। तुझे तो पता है ना, कल शादी है, बहुओं को भी आना है। अभी ऊपर से बरसात की वजह से ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती ही जा रही है। बरसात की वजह से कच्ची मिट्टी में बना हुआ घर पानी में बहने लगता है। पार्वती के पांचों बेटे फौरन उठ खड़े होते हैं और आसपास के लोगों से उनके घर में पन्नियां मांगने लगते हैं, जिसके चलते वो एक एक के बाद एक घर पन्नियां जोड़कर अपने घर की छत पर लगा लेते हैं। इसी के चलते घर के अंदर पानी टपकना रुक जाता है। निशा बेटी, चल तू मेरे साथ, घर के अंदर का पानी बाहर निकालने में मेरी मदद कर, वरना बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। निशा, पार्वती दोनों माँ बेटी घर के अंदर से पानी बाहर निकालने लगती है। ऐसे ही वो रात उनकी बहुत मुश्किल से गुजरती है। अगले दिन पार्वती अपने पांचों बेटों की शादी अमीर घर की पांच बेटियों से करवा कर उन्हें अपने घर ले आती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, आज से यही तुम्हारा घर है। छोटी सी झोपड़ी को देखकर वो पांचों हैरान रह जाती हैं। अरे ये तो बस छोटी सी झोपड़ी है माँ जी, क्या हम सभी इसी के अंदर रहेंगे? अरे माँ जी, हम पांचों बहनें हैं, हम पांचों इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेंगे? ऊपर से बारिश का पानी भी टपक रहा है, हमारे पति इतने ज्यादा गरीब होंगे, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चिंता मत करो, कल हम पांचों भाई शहर जा रहे हैं, उसके बाद हम वहाँ से पैसा कमा कमा कर यहाँ भेज दिया करेंगे। बहुत जल्द यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा घर बन जाएगा। हाँ बहू, तुम तो जानती हो ना हम कितने ज्यादा गरीब हैं। मैंने बड़ी ही मुश्किलों से अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन इनकी कहीं नौकरी नहीं लग पाई, पर अब उन्हें नौकरी मिल गई है और कल से वो शहर जाकर काम शुरू कर देंगे। पार्वती के इतना कहने के बाद उनकी पांचों बहू चुप हो जाती हैं। उन्हें उस कच्ची मिट्टी के मकान के अंदर ही गुजारा करने में बहुत दिक्कत होती है। अगले दिन उन पांचों के पति शहर में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक से कुछ ही दिनों बाद मौसम और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। बाप रे बाप, मौसम तो और भी ज्यादा बिगड़ता ही जा रहा है, बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी छत टपकने लगती है। ये क्या माँ जी, पानी टपक रहा है, अब हम लोग क्या करें? पार्वती अपने घर को देख ही रही थी कि तभी तेज बारिश होने के चलते गांव की बांध टूट जाती है, जिससे सारा पानी गांव में आ जाता है। काफी लोग पानी के अंदर बहने लगते हैं, तो वहीं पार्वती का कच्ची मिट्टी का मकान पूरी तरह पानी में बह जाता है। वो अपनी पांचों बहू, अपनी बेटी और साथ में पति को लेकर जंगल में ऊंची सतह की तरफ पहुँचती है। ये क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। हे भगवान, अब हम लोग कहाँ रहेंगे, हमारा तो पानी में घर भी बह गया। माँ जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम सब मिलकर कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। हाँ माँ जी, ये परेशानियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। वैसे मेरे दिमाग में तो एक विचार आ रहा है, यहाँ जंगल में लकड़ियाँ भी हैं और पेड़ भी, क्यों ना हम पत्तों से अपने लिए घर बना लें। सही कहा, चलो पहले लकड़ी सी ढांचा बनाते हैं और उसके ऊपर फिर पत्ते लगा देंगे, जिससे पानी अंदर ना आ सके। वो पांचों बहनें एक दूसरे की मदद करती हैं और जंगल में बड़े बड़े केले के पत्ते और लकड़ियां ढूंढकर पत्तों से घर बनाने की कोशिश करती हैं। देखते ही देखते पांचों बहनें मिलकर जंगल के अंदर पत्तों के दो घर बनाती हैं और अपनी सास और ससुर के लिए, और एक में वो पांचों खुद रहती हैं। अच्छू अच्छू अच्छू, मुझे लग रहा है कि मुझे जुकाम हो गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लग रहा है जैसे सर्दी लग गई हो, मेरे भी शरीर में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठंड के चलते हम पांचों ने बिना गर्म कपड़ों के ही बहुत काम किया है, ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिरकार ये दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड तो होनी ही थी। जब हमें इतनी ठंड लग रही है तो हमारे पास सास ससुर को तो और भी ज्यादा ठंड लग रही होगी,
ऊपर से हमारी ननंद भी बेचारी ठंड में कपकपा रही होगी। हमें उनके लिए पत्तों से ही रजाई बना लेनी चाहिए। वो पांचों जंगल से कई सारे पत्ते इकट्ठे करती हैं और फिर उन्हें अपने पत्तों के घर के अंदर थोड़ी सी आग जलाकर सुखाती हैं। पत्ते सूखने के बाद वो उन्हें सिल सिल कर रजाई बना लेती हैं। तो वो फिर उसके बाद उसे अपने सास ससुर और ननंद को देने जाती हैं। माँ बाबूजी, मैं जानती हूँ कि बहुत ज्यादा ठंड है। पता नहीं हमारे पति वापस कब लौटेंगे और कब हमारी ये परेशानियाँ खत्म होंगी। इसीलिए हमने ये पत्तों की रजाई बनाई है जिसमें हवा नहीं आएगी और आपको ठंड भी नहीं लगेगी। अरे वाह बहू, ये पत्तों की रजाई तो बड़ी ही मजबूत और गर्म लग रही है। तुम पांचों तो सच में बहुत समझदार हो। पार्वती वो रजाई रख लेती है जिसके बाद आरती वहां से चली जाती है। वो जैसे तैसे करके थोड़ी सी लकड़ी जलाकर अपने पत्तों के घर के अंदर थोड़ी गर्मा हट कर लेती है और उस रात वो आराम से सो जाते हैं। उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगती। अगले दिन जब सवेरा होता है तो पार्वती और कैलाश अपनी पांचों बहू से कहते हैं, ये ठंडी हवा रुकने का नाम नहीं ले रही थी और तुमने तो कमाल का पत्तों का घर बनाया है। इतना अच्छा आइडिया तुम्हारे पास आया कहाँ से? बाबूजी, हालात सब कुछ सिखा देते हैं। ये तो बस दिमाग में आया कि पत्तों का इस्तेमाल करके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो बस इसीलिए हमने पत्तों का घर बना दिया। वैसे मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। हम पत्ते और फूलों से माला बनाएंगे और उसे बेचेंगे। जब तक हमारे पति नहीं आ जाते तब तक तो हमारे लिए यही सही होगा पैसे कमाने का तरीका। वो पांचों बहू मिलकर पत्तों की बहुत अच्छी और सुंदर सुंदर माला बनाकर तैयार कर लेती हैं, जिसके बाद वो मंदिर में जाकर उन्हें बेचने लगती हैं। उनकी एक एक माला बिक जाती है और उनको पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो अपने घर का राशन पानी ले आती हैं और अब उनके पास खाना खाने के लिए बर्तन तक नहीं थे, जिसके चलते वो बड़े बड़े पत्तों को बर्तनों की तरह इस्तेमाल करती हैं। वैसे पत्तों के ऊपर खाना खाने में भी मजा आ रहा है। आज अगर तुम पांचों ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता, जबकि तुमने ऐसे दिन कभी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। पहले हमें भी ऐसा ही लगा था कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ हमें हर सिचुएशन में रहना आ गया। आखिरकार आप हमारा परिवार हो। पांचों बहू अपने सास ससुर और ननंद के साथ खाना खा ही रही थी कि तभी उनके घर में उनके पांचों पति भी आ गए, जो शहर से खूब सारा पैसा कमा कर लाते हैं। उन्हें देख कर पार्वती, कैलाश, निशा तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पांचों बहू भी। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा परिवार इतने सारे दुख उठाएगा, लेकिन अब किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम बहुत सारा पैसा कमा कर लाए हैं। हम एक पक्का मकान खरीदेंगे और उसमें रहेंगे। पांचों भाई मिलकर कमाए हुए पैसों से पक्का मकान बनवाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। बचे हुए पैसों से वो अपना खुद का काम खोल लेते हैं, जिसके बाद अब उनके पास कमाई का साधन भी हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। घमंडी देवरानी और बेचारी जेठानी। अरे चौथी बहू, जा जाकर ऊपर से छत का जाल तिरपाल से ढका। मैंने सुना है कि अगले आने वाले एक हफ्ते बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। हाँ माँ जी, मौसम विभाग से जानकारी मिली है कि अगले पूरे हफ्ते बर्फबारी होगी। भगवान का शुक्र है कि हमारे पास घर है, वरना ऐसी बर्फबारी में तो बहुत से लोग बिना छत के ही गुजारा करेंगे। चल चल बहू, अब ज्यादा महानता की बातें मत कर, मैं जो बोल रही हूँ वो करके आ जा। ज्योति तिरपाल को ढकने चली गई और उसके जाते ही ईशा ने अपनी सास से उसकी बुराइयां करनी शुरू कर दी। माँ जी, ये जेठानी जी ना बहुत ही बड़ी छिपी रिश्तम है। अच्छा, अब इसने क्या कर दिया? माँ जी, कल जो आप अपना कंबल ढूंढ रही थी ना, वो मुझे ज्योति जेठानी जी के कमरे में ही मिला था। है सच्ची? और आपको बेवजह ही हल्के कंबल में सारी रात ठिठोरना पड़ा था। मैं तो आपको ये बात कल ही बताने वाली थी, लेकिन आने दे तू इसको नीचे, इसे तो मैं बताऊंगी। ईशा ने बेवजह ही आस्था के कान भर दिए थे और आस्था ज्योति का बेसब्री से नीचे आने का इंतजार कर रही थी। आज ये चोरनी नीचे आ जाए, आज तो मैं इसे अच्छे से बताऊंगी। कुछ देर बाद ज्योति तिरपाल डालकर नीचे आ गई और आस्था ने उसे बेवजह ही बहुत सुनाया। ईशा ने सारी बातें आस्था से झूठ कही थी, क्योंकि ईशा ज्योति को पसंद नहीं करती थी और वो चाहती थी कि आस्था भी उसे नापसंद करे। अरे तुझे अगर कंबल चाहिए ही था तो मुझसे कहकर ले लेती, ऐसे चोरी छुपे ले जाने की क्या जरूरत थी। माँ जी, सच में मैंने कोई कंबल नहीं लिया था। हाँ बस तू ही सच बोल रही है, बाकी सब जो ये बोल रही है कि कंबल तूने चुराया था वो झूठ है, क्यों है ना? आस्था की बात पर बेचारी ज्योति कुछ भी नहीं बोल पाई और बस चुपचाप उसने उसकी डांट को सुन लिया। ऐसे ही अगले दिन ईशा ने अपनी जेठानी को फंसाने के लिए फर्श पर तेल गिरा दिया।
जीठानी जी, न जाने क्यों मुझे आपसे बड़ी ही जलन और इरिटेशन सी होती है। आई एम सॉरी, लेकिन आपके घर से निकालने के लिए मुझे ये करना होगा। ईशा वहाँ तेल फैलाकर खुद चली गई। कुछ देर बाद वहाँ पर आस्था आई और वो उस तेल पर फिसल गई। आय हाय रामा, मर गई। अरे अरे, किस सत्यानाशी के हाथ चले यहाँ पर तेल फैलाने को। अरे उठाओ। अरे अरे माँ, आपको क्या हुआ? उठिए। हाय मेरी कमर। आप कैसे गिर गई? सासू माँ, अरे नहीं, इस तेल का शिकार आप हो गई। इसका मतलब जिठानी जी की चाल कामयाब हो गई। क्या मतलब तेरा? माँ जी, कल आपने जिठानी जी को डांट दिया था ना, इसी वजह से उन्होंने आपसे बदला लेने के लिए ये जाल बिछाया था। मैं बस इस तेल को साफ करने के लिए कोई कपड़ा ही लेने गई थी, जो मुझे आपकी आवाज आ गई। क्या, ज्योति ने ऐसा किया? बिल्कुल, मैंने अपने इन्हीं कानों से उनकी सारी बातें सुनी थी। माँ जी, वो घर में पल रहे किसी सांप से कम नहीं है। क्या पता कब किसको डस ले, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप उन्हें घर से बाहर कर दो। हाँ माँ, ईशा भाभी कब से हमें कुछ ना कुछ बातें ज्योति भाभी के बारे में बताती ही जा रही हैं, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। आज तो आप उन्हें उनकी औकात दिखा ही दो। सही कहती है मेरी बच्ची, ये आज चोट मार रही है, कल को क्या पता ये तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाए। मैं इसे अभी इसकी औकात याद दिलाती हूँ। ज्योति, अरे ओ ज्योति। जी हाँ माँ। अरे आपको क्या हुआ? ज्यादा अच्छी और अनजान मत बनो, समझी? अब क्या हो गया? बेशरम, अगर तुझसे कल की डांट हजम नहीं हो रही थी तो मेरे मुंह पर ही बोल देती। ऐसे साजिशें रचने की क्या जरूरत थी? कौन सी साजिश? अभी बताती हूँ, निकल जा मेरे घर से। अब मैं तुझे यहाँ एक मिनट की भी मोहलत नहीं दूंगी। पर माँ, हुआ क्या है? ड्रामीबाज, अब हम तुम्हारे नाटक नहीं देखेंगे, और अपना और अपनी बेटी का सामान लो और निकलो यहाँ से। भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, मेरी नहीं तो कम से कम मेरी बेटी के बारे में तो सोच लीजिए। मेरी तो पति भी इस देश में नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? हम नहीं जानते, किसी नदी में जाकर डूब मरना, लेकिन यहाँ से दफा हो। आस्था ने ज्योति को घर से निकाल दिया। ज्योति अपनी 5 साल की बेटी का हाथ पकड़कर घर से चली आई। उसके घर से निकलने की वजह से ईशा बहुत ही ज्यादा खुश थी। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? मैं नहीं जानती हूँ बेटा, जहाँ रास्ता ले जाएगा वहीं चले जाएंगे। माँ, मुझे सर्दी लग रही है। मेरी बच्ची, कुछ देर इस सर्दी को झेल ले, जब मुझे कोई बसेरा मिल जाएगा तो मैं वहाँ आग जलाकर गरमाई कर लूंगी। ज्योति अपनी बेटी को समझाती हुई बस चलती चली जा रही थी। चलते चलते वो दोनों माँ बेटी एक बड़े कूड़े के ढेर के पास पहुँच गई, जहाँ पर उन्हें एक बड़ी पाइपलाइन दिखाई दी। देख बेटा, हमारा घर मिल गया, तू अब इसके अंदर बैठ जा, मैं आग जला लेती हूँ। ज्योति अपनी बेटी को पाइपलाइन में बैठाकर जलाने के लिए कूड़ा इकट्ठा करने लगी, लेकिन ठंड की वजह से सभी तरफ बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से उसे बस थोड़ा सा ही कूड़ा बड़ी मुश्किल से मिल पाया था। मेरे तो सारे हाथ भी सुन्न हो गए, लेकिन चलो शुक्र है मुझे थोड़ा सा कचरा तो मिल ही गया। ज्योति उस कचरे को लेकर अपने बड़े पाइप के बाहर आ गई और उसमें आग जलाकर उसने अपनी बेटी की सर्दी को कम किया। माँ, सर्दी तो भाग गई, लेकिन अब भूख लग रही है। बेटा, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन तेरी इस लावारिस माँ के पास पैसे नहीं है, यहाँ तो सारा कचरा भी जम गया है। रुक तो, मैं अभी आती हूँ। ज्योति अपनी बच्ची को पाइपलाइन में ही छोड़कर बाहर सड़क पर आ गई। अब तो लगता है कि मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाने ही पड़ेंगे। अरे बहन, कुछ दे दो, मेरी बच्ची भूखी है। कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से, मुझसे दूर रहो, समझी? ऐसा नहीं कहिए, मेरी थोड़ी सी तो मदद कर ही दीजिए, इंसानियत के नाते। अरे मेरा रास्ता छोड़ो। वो औरत ऐसे बोलती हुई वहां से चली गई। ज्योति ने ऐसे ही सारा दिन भीख मांगी, कुछ लोगों ने उसकी मदद की और कुछ बिना मदद किए ही चले गए। लेकिन अब ज्योति के पास इतने पैसे तो हो ही गए थे कि वो अपनी बेटी का पेट भरवा सकती थी। चलो अब इन पैसों से रोटी ले आती हूँ, मेरी पिंकी भूखी है। ज्योति ढाबे से रोटी लेने चली गई। उसके कपड़े गंदे हो रहे थे और कचरे की बदबू भी आ रही थी। भाई साहब, 2 रोटी दे दीजिए। अरे अरे, हम इंसानों को खाना देते हैं, जानवरों को नहीं, और यहाँ खाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, समझी? निकले यहाँ से। भाई साहब, मैं आपको पैसे दूंगी। अरे तेरे जैसे लोगों को देखकर मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे, निकले यहाँ से। ज्योति को उस ढाबे वाले ने कुछ नहीं दिया। अजीब दुनिया है, हम गरीबों की तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है। ज्योति पैसे लेकर भटकने लगी और आखिर में उसने एक छोटे से ढाबे से 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल ले ली। शुक्र है, मुझे कुछ तो मिला,
अब जल्दी से मैं इसे अपनी बच्ची के पास ले जाती हूँ। ज्योति पिंकी के पास खाना ले गई, जो पाइपलाइन में उसका इंतजार कर रही थी। दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और वो उसी पाइपलाइन में सो गई। अगली सुबह फिर से ज्योति भीख मांगने ही निकल गई। ऐसे ही रोज का सिलसिला जारी था। ज्योति रोजाना ऐसे ही भीख मांगती थी। आज भी वो इसी तरह भीख मांग रही थी कि तभी ज्योति को देखकर एक गाड़ी रुकी। अरे ये कितनी महंगी गाड़ी है, चलो यहीं जाकर कुछ मांग लेती हूँ। ज्योति उस गाड़ी के पास जाकर मदद की गुहार लगाने लगी कि तभी उस गाड़ी का मालिक बाहर आ गया और ज्योति उसे देखकर हैरान रह गई। आप? ज्योति तुम यहाँ और ये सब कुछ? आप आखिर आ ही गए। ज्योति उस शख्स के गले लग गई। वो कोई और नहीं बल्कि उसका पति था। आपके पीछे हमने क्या कुछ नहीं झेला। ज्योति ने रोते हुए अपने पति को सारी बात बता दी। मेरी माँ ने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी पिंकी कहाँ है? वो वही पाइपलाइन में है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। ज्योति अपने पति को पाइपलाइन पर ले गई जहाँ नन्ही पिंकी सो रही थी। मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। तुम चिंता मत करो ज्योति, अब मैं आ गया हूँ ना तो अब सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं अपनी स्वार्थी माँ के पास नहीं जाऊंगा, अब हम एक अलग घर में रहेंगे जो सिर्फ हमारा होगा। ज्योति के पति ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी बेटी को गोद में उठाकर वो उन्हें गाड़ी में ले गया। उसने उन्हें सबसे पहले खाना खिलवाया और अच्छे कपड़े भी दिलाए। उसके बाद उसने अपनी बीवी और बेटी के लिए एक घर खरीदा और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगी।